हेलो बच्चों कैसे हो सब मैं हूं निकिता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का डाउट नेट में तो बेटा जैसे कि आप लोग जानते हो हम मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ाई कर रहे थे ठीक है अब ये मॉडल वर्ब्स जो है इसमें ना हम लोग आगे देखने वाले हैं ठीक है आज आपका होने वाला है लेक्चर नंबर टू तो जिस बच्चे ने इससे पहले का लेक्चर नंबर वन नहीं देखा है देख लेना बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी अच्छे से समझ में आएगा मैं बता देती हूँ लेक्चर नंबर वन में मैंने क्या पढ़ाया था तो बेटा लेक्चर नंबर वन में मैंने एक्चुअली आपको ना बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था किस चीज का कि मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं ठीक है मॉडल वर्ब एक क्या बला है उसके साथ हमने मस्ट मस्ट नाम की एक मॉडल वर्ब होती है उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है ये सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर वन में सीख ली है आज है लेक्चर नंबर टू आने वाले टाइम में थ्री भी मिलेगा ठीक है टेंशन मत लो आज अब आ रहा लेक्चर नंबर टू है अब आज की क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ मॉडल वर्ब्स ठीक है इनके बारे में तो हम पढ़ी रहे हैं मैं आज आपको बताने वाली हूं टू यानी कि ये जो मॉडल वर्ब है इसका कहाँ कहां, -कहां इस्तेमाल होता है और डेयर ये जो आपकी मॉडल वर्ब है इसका कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं आज हम ये सीखेंगे ठीक है तो शुरू करें आज की क्लास चलो तो शुरू करते हैं अब बेटा सबसे पहले ना एक बार ये जो पीछे लिखा है उसे मत पढ़ो ये रिविजन के लिए मैं एक बार ही बता दूं ठीक है रिविजन में वैसे करवा देती हूँ आपका कि मॉडल वर्ब जो है वो क्या होता है देखो मॉडल बताया था हम लोगों ने इसलिए था वर्ब के बाद मैं वर्ब पढ़ने वाला हूं, तो ये क्या बला है भाई किस उड़ती हुई चिड़िया का नाम है ये ठीक है तो वर्ब जब आपने पढ़ा तो आपको एक चीज पता चली कि वर्ब अपनी परिभाषा के अनुसार दो तरीके का होता है मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी आगे जाके दो तरीके के होते हैं ट्रांजिटिव एंड वो सब मैं पढ़ा चुकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी दो तरीके की होती है एक हेल्पिंग वर्ब जो हमें ये बताने में हेल्प करती है कि कोई काम किस समय पर हुआ वो हमने टेंसिस में पढ़ लिया एक हेल्पिंग वर्ब हमें ये बताने में मदद करती है कि वो काम को करने के पीछे का मूड या फीलिंग कैसी थी वो जो हेल्पिंग वर्ब होती है जो हमें ये बताती कि, कि किसी काम को करने के पीछे का मूड या फीलिंग कैसी थी उसे ही हम मॉडल वर्ब कहते हैं तो ये जो मॉडल नाम निकला है ना इसको ऐसे रखना यानी कि मॉडल से यह समझ लेना बेटा यानी कि मूड यानी कि फीलिंग इमोशन भावनाएं हमारी वो सब हमें बताता है मॉडल वर्ब ठीक है प्यारा सा छोटा सा ये होता है अब देखो यहां पर भी ऐसे लिखा हुआ है कि मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब ये एक प्रकार की क्रिया है जिसका इस्तेमाल होता है क्या दर्शाने के लिए मोडलिटी दर्शाने के लिए मोडलिटी से मतलब वही है बेटा मूड फीलिंग इमोशन ठीक है आप ऐसे समझो अब कौन से कौन से तरीके के मूड हो सकते हैं देखो लाइकलीहुड हमारे किसी करने की कितनी संभावना है, कितनी नहीं है ना ऑब्लिगेशन कोई चीज हमें करनी कर्तव्य ड्यूटी हमारी ठीक है परमिशन किसी से हमें कोई चीज की परमिशन मांगनी है कैन आई गो टू वॉशरूम अब ये जो है है ना कैन आई गो टू वॉशरूम तो वॉशरूम जाने की परमिशन मांगना चाहती हूँ तो ये जो जाने का काम है इसको करने का पीछे की फीलिंग क्या है कि मुझे परमिशन मुझे अनुमति चाहिए कि क्या मैं जा सकती हूँ वॉशरूम तो ये जो कैन शब्द है ना वो बताता है क्या वो हमारी हेल्प करता है ताकि हम अपनी फीलिंग फीलिंग क्या है बेटा मुझे गो कैन आई गो ये जो गो है ना कैन आई गो टू वॉशरूम ये जो वॉशरूम जाने का जो काम मुझे करना है इस काम को करने के पीछे की मैं अनुमति जो मांगना चाहती हूँ परमिशन जो लेना चाहती हूँ वो मैं कैन शब्द से पूछ रही हूँ तो ये ऐसे मॉडल वर्ब्स जो होते हैं हमें ऐसी फीलिंग्स बताने में मदद करते हैं ऐसे ही रिक्वेस्ट क्या आप मेरे को एक ग्लास पानी ला सकते हैं है ना तो ये मैं कैसे पूछूंगी कुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो काम है वो लाने का है क्या लाना है पानी लेकर आना है ठीक है तो यहाँ पर अब क्या होगा कि जो कुड शब्द है वो क्या हेल्प करता है कुड शब्द मेरे को ये बताने में हेल्प करता है कि ये जो पानी लाने का काम है ना मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप ला दीजिए यानी कि ब्रिंग है ना ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वॉटर तो ये क्या है कुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर तो यहाँ पर जो कुड शब्द है वो मेरे को एक बहुत ही पोलाइट सी रिक्वेस्ट आपसे करने में मदद कर रहा है ठीक है तो इस तरीके से ना बहुत सारी फीलिंग्स होती है बेटा कैपेसिटी सजेशन ऑर्डर एडवाइस एबिलिटी ये सारी ना हमारी फीलिंग्स हैं ठीक है अब अलग अलग मॉडल वर्ब्स का अलग अलग मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं हम अलग अलग फीलिंग बताने के लिए अरे मैं चाहती हूँ कि आप ये दरवाजा जो है वो खोल दें है ना ताकि ढंग से अच्छे से हवा अंदर आ सके तो अब ये जो मैं काम आपसे करवाना चाहती हूँ कि दरवाजा खोलने का काम वो मैं कैसे करवाऊँ है ना मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ मेरी फीलिंग क्या है मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ तो मैं उसके लिए अलग मॉडल वर्ब का कर इस्तेमाल करूंगी मैं यहाँ पर क्या करना चाहती हूँ बेटा मैं यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जब छोटी थी ना तो मैं साइकिल चला सकती थी अब मैं भूल गई पर बचपन में मैं ना साइकिल चला सकती थी तो मैं अब आपको जो साइकिल चलाने का काम है उसको क्या बताना चाहती हूँ उसके पीछे की क्या फीलिंग बताना चाहती हूँ मैं साइकिल चलाने के पीछे की फीलिंग ये काम करने के पीछे की फीलिंग मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये काम मैं पहले कर सकती थी अब नहीं कर सकती इसके लिए अलग मॉडल वर्ब्स हैं तो ऐसे ना हर एक काम को करने के पीछे की जो फीलिंग है वो बताने के लिए अलग अलग मॉडल वर्ब्स बनी हुई हैं और बहुत सारी बनी हुई हैं ठीक है लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बहुत सारी होती है भाई बहुत सारी पर हमें केवल इतनी सी पढ़नी है हमें केवल सेवन मॉडल वर्ब्स पढ़नी है अब इसमें से मस्ट जो है ये मैंने आपको करवा दिया है आज की क्लास में बेटा मैं आपको और टू और ये डेयर ये पढ़ाने वाली हूं आज की क्लास में हम ये करेंगे ये जो बीच की चार है ना ये आपस में जुड़ी हुई है ये आप आसानी से सीख जाओगे ठीक है तो ये मैं आपको आगे आने वाली क्लास में करवाऊंगी लेकिन आज हम ऑटो और डेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं तब तुम तैयार हो अब हम शुरू कर सकते हैं चलो तो शुरू करते हैं तो बेटा ऑटो जो है ऑटो का क्या होता है मतलब ऑटो का मतलब है करना चाहिए है ना ऑटो का मतलब है करना चाहिए तुम्हें ना जाकर तुम्हें ना गरीबों की मदद करनी चाहिए हमें ना अपने क्या करना चाहिए हमें अपने से बड़ों से अच्छे से बात करनी चाहिए ठीक है अब बाहर बारिश हो रही है हमें छाता लेकर जाना चाहिए बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हम सामने वाले को बताते हैं कि यार तुम्हें ये करना चाहिए तो ये जो काम को पीछे की फीलिंग क्या है काम करने की पीछे की फीलिंग है कि हम बोलना चाह रहे कि करना चाहिए अगर आप कोई काम कर रहे हो तो मैं अगर ऑटो का इस्तेमाल करूंगी तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तुम्हें ये काम करना चाहिए आपको बीमारी है तो आपको ना डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए तो यहां पर काम क्या है बेटा आपको बीमारी है है ना तो डॉक्टर को दिखाने का काम ये जो काम है ये आपको करना चाहिए ये मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ मेरी फीलिंग फीलिंग ऐसी है ठीक है मैं कह रही हूं कि हमें हमें सबको मिलकर गरीबों की मदद करनी चाहिए तो यहां पर काम क्या है मदद करने का तो वो काम ना जो मदद करने का काम है उसको करने के पीछे की फीलिंग क्या है मेरी कि हमें ये काम करना चाहिए है ना हम सबको मिलकर गरीबों की मदद करनी चाहिए तो बेटा ऑट जो होता है ऑट का मतलब होता है करना चाहिए अब ऑटू जो शब्द है ना ये बहुत बहुत मस्ट जिसे मिलता जुलता है पिछली क्लास में आपने मैंने आपको जब लेक्चर वन में मस्ट के उपयोग बताए होंगे तो आपको पता होगा वहां पर मैंने क्या बताया था कि मस्ट भी ना हमें क्या करता है मस्ट भी ना एक एडवाइस देता है कोई रिकमेंडेशन के टाइम पे हम मस्ट का उपयोग करते हैं याद है पिछली क्लास में करवाया था है ना तो वहां पर ना ऑट टू भी सेम सी फीलिंग है ऑट टू की भी ऑट टू भी कहता है कि ये काम कर लेना चाहिए सुझाव है मेरा बीमार हो डॉक्टर को दिखा लो दिखा लेना चाहिए ये मेरा सुझाव है मस्ट भी क्या कहता है मस्ट भी कहता है कि भाई डॉक्टर को तुम्हें दिखा लेना चाहिए पर बेटा दोनों में एक अंतर है दोनों में अंतर क्या है देखो मस्ट का जो अंदर मस्ट जब आप किसी को कोई सुझाव दे रहे हो आप किसी को कोई काम करने का आइडिया दे रहे हो कि यार कर लेना चाहिए तुमको है ना तुमको बीमार हो ना है ना डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए ठीक है माहौल बहुत खराब चल रहा है अभी बीमारी का या फिर अगर मैं बोल रही हूं कि क्या कि बाहर बारिश हो रही है तुम्हें ना छाता लेकर जाना चाहिए तो यहां पर क्या है बेटा कोई काम को करने के पीछे की मैं आपको एक सुझाव देना चाह रही हूं मैं आपको बोल रही हूँ कि यार ये काम तो तुम्हें कर लेना चाहिए मेरी फीलिंग कुछ इस प्रकार है अब यहां पर ना मस्ट भी क्या बोलता है मस्ट भी कहता है सेम फीलिंग के भाई कर लेना चाहिए और टू भी कहता है सेम फीलिंग के कर लेना चाहिए पर दोनों में ना एक बहुत छोटा सा फर्क है और वो एकमात्र फर्क है जो यहां पर क्या करता है जो यहां पर इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है वो फर्क क्या है बेटा ऑट टू जब हम इस्तेमाल करते हैं ना तो हम ना इतना ज्यादा दबाव देकर नहीं बोल रहे कि करना, करना ही करना है लेकिन मस्ट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे की जो फीलिंग होती है ना जो जोश होता है ना जितने स्ट्रांग तरीके से हम अपनी चीज तुमसे बोलना चाह रहे हैं ना वहां पर फीलिंग बहुत ज्यादा होती है तो मस्ट ना एक तरीके से कहता है कि भाई तुझे करना ही करना है यानी कि अवश्य यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स अगर मैं मस्ट का इस्तेमाल कर लेती हूँ यानी कि मैं जो आपको रिस्पेक्ट करने का काम कह रही हूं ना अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए तो यहाँ पे काम क्या है बड़ों की इज्जत करने का काम है तो यहाँ पे जो मैंने मस्ट लगा दिया तो ये मतलब हो गया कि ये तो करना ही करना है और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ मैं आपको कह रही हूं कि करना है भाई करनी चाहिए इसके ऊपर बहस नहीं सुन सकती करनी है तो करनी है अपने से बड़ों की इज्जत लेकिन अगर यही चीज मैं ऑट के साथ बोलू कि यू ऑट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स तो यहां पर जब ऑटो का थोड़ा सा इस्तेमाल हो जाता है ना तो ये जो इतनी स्ट्रॉग फीलिंग थी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है कि कर लेनी चाहिए हमें से अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट कर लेनी चाहिए तो बेटा यहां पर जो है दोनों जो है ना बात एक ही कहते हैं पर मस्ट का जब उपयोग हो जाता है तो मस्ट ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग तरीके से बात कहता है कि ये तो करना ही करना है है ना अगर मैं बोलू वी मस्ट विन दिस मैच हमें ये मैच जीतना चाहिए यानी कि मेरा जो कहने का फीलिंग है ना बहुत स्ट्रांग है वेरी स्ट्रॉन्ग कि जीतना ही जीतना है अवश्य ये चीज जरूरी है मस्ट यानी अवश्य ये काम करना है हमको दो राय नहीं है है ना करना है तो करना है वी मस्ट स्टडी हार्ड हमें बहुत मेहनत करके पढ़ाई करनी चाहिए मतलब करनी ही करनी चाहिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग है इसमें कर लेंगे नहीं होगी ऐसा नहीं मैं बहुत स्ट्रांग फीलिंग के साथ कह कर रही हूँ करना चाहिए ठीक है हमें बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए यहाँ पे एक फीलिंग बहुत है बट मैं अगर बोलू कि वी ऑट टू स्टडी हार्ड यहाँ पे थोड़ी सी ना फीलिंग डाउन हो जाती है हमें 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 कर कर लेनी लेनी चाहिए चाहिए मेहनत के साथ पढ़ाई तो यहाँ पर समझना बेटा दोनों जो है वो बात एक ही करते हैं पर मस्ट का जब उपयोग कर जाए कोई भी व्यक्ति एक वाक्य में किसी काम को करने के पीछे जब हम मस्ट लगा देते हैं तो वो बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है बहुत स्ट्रांग उसमें से फीलिंग आती है कि भाई अब ये बंदा अगर कह रहा है ना वी मस्ट रिस्पेक्ट आर एल्डर्स यानी कि हमें अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए तो यानी कि अब बहुत ज्यादा दृढ़ उसके साथ कह रहा है कि करनी चाहिए लेकिन अगर वहीं पर हम यही बात हम ऑटो के साथ बोल दे कि वी ऑटो रिस्पेक्ट आर एल्डर्स यानी कि करना चाहिए यार ये काम करना चाहिए है ना तो इतना ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग नहीं होता तो बेटा ये जरूर याद रखेंगे इन दोनों का बीच में क्या होता है मस्ट जो है वो एक बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग कैरी करता है ठीक है ऑटू जो है बेटा वो मस्ट के मुकाबले कम थोड़ा स्ट्रांग होता है थोड़ा सा वीक होता है है ना वीक तो इसके मुकाबले ऑटू जो है वो थोड़ा सा वीक होता है अब देखो यहां पर ऑटू का काम कहां कहां पे आता है ऑटू एक्सप्रेसिस आइडियाज सच सचेज ऑटू जो है वो कौन से कौन से आइडिया प्रकट करने में मदद करता है हमको ऑटू जो है हमें कौन से कौन से आइडिया प्रकट करने में मदद करता है बेटा जैसे कि ड्यूटी भाई ये तो हमारा कर्तव्य है ड्यूटी है है ना हमारी ड्यूटी हमारा कर्तव्य वो बताने में मदद करता है आवश्यकता, ऐसी बताने में मदद करता है, और ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन मॉरल ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिक दायित्व या फिर नैतिक कर्तव्य भाई समाज में रहने के हिसाब से हमारा कोई तो कर्तव्य बनता है है ना इंसान होने के नाते बहुत से कर्तव्य बनते हैं कि गरीबों की मदद कर लेनी चाहिए हमको करनी चाहिए कोई अगर आ, दुख में है परेशानी में है तो हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिक एक आ, अच्छा इंसान होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम है ना ये उत्तरदायित्व हमारा ये दायित्व बनता है नैतिक दायित्व बनता है कि हम अगर समाज का हिस्सा हैं हम अच्छे इंसान हैं तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए तो बेटा ऑटो का इस्तेमाल हम तब तब करते हैं जब हम कोई ड्यूटी की बात कर रहे हैं कि भाई ये तो तुम्हें करना चाहिए ठीक है और या फिर हम क्या कर रहे हैं या फिर हम किसी आवश्यकता की बात कर रहे हैं कि भाई ये करना जरूरी है ये तो आपको करना ही चाहिए या फिर हम एक नैतिक दायित्व की मॉरल ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं ठीक है यानी कि आपका एक इंसान होने के नाते आपका क्या है मॉरल ऑब्लिगेशन आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है आपकी एक इंसानियत के नाते है ना हमारा एक फर्ज बनता है कोई काम करने का तो जब मैं ऐसी कोई फीलिंग आपको बताना चाह रही हूं तब मैं यहां पर किसका इस्तेमाल करूंगी ऑट टू का बेटा सेम फीलिंग बताने के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल भी करते हैं पर मस्ट यही फीलिंग्स को बहुत ज्यादा हाई बना देता है है ना एक होता है नाराज होना देखो समझो एक बात को एक होता है नाराज होना मैं नाराज हूं मुझे आपसे बात नहीं करनी एक होता है बहुत ज्यादा नाराज हो जाना गुस्सा एकदम अलग लेवल पे पहुंच जाना है ना दोनों में क्या है अगर मैं बोलूँ कि मुझे बात नहीं करनी यहां पे क्या मैंने आराम से बोला कि मुझे बात नहीं करनी पर अगर मैं बहुत जोर से चिल्लाकर गुस्से में बोलूं मुझे बात बिल्कुल नहीं करनी ये वो तो यहां पर क्या है बेटा गुस्सा यहां भी है नाराजगी यहां भी है लेकिन ये क्या है इसके पीछे की फीलिंग कैसी थी बहुत ज्यादा थी है ना तो अगर मम्मी प्यार से बोले कि चले जाओ मेरे को तुमसे बात नहीं करनी तो क्या होता है हम समझ जाते हैं कि मम्मी नाराज है और गुस्सा है हमसे पर अगर मम्मी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला के बोले कि बिल्कुल बात नहीं करनी चले जाओ यहां से है ना तो हम समझ जाते हैं कि मम्मी बहुत ज्यादा फीलिंग मम्मी की नाराजगी और गुस्से की फीलिंग कैसी है बहुत ज्यादा है वही बात है तो ऑटू बोलता है कि आपका किसी कर्तव्य का या किसी किसी चीज की आवश्यकता बताना चाह रहे हो या फिर आप कोई मॉरल ऑब्लिगेशन या मॉरल ड्यूटी या कोई फर्ज बताना चाह रहे हो तो जब ऑटो का इस्तेमाल करते हो यानी कि आप थोड़ा सा नॉर्मल है ना इतना ज्यादा स्ट्रांग गुस्सा नहीं है अभी ये सारी फीलिंग्स नॉर्मल तरीके से बता रहे हो लेकिन जब मस्ट का उपयोग कर देते हो तो यानी कि बहुत ज्यादा आवश्यक है कर ही नहीं सकते कुछ और करना है तो करना है ठीक है यू मस्ट सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम अब अगर मैं बोल दूर कि यू मस्ट सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम मतलब तुम्हें करना ही करना है तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है अपना होमवर्क टाइम पे सबमिट करना है मतलब टाइम पे सबमिट करना है अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रही कि, कि कर लेंगे कि नहीं करना है तो करना है मस्ट ये कहता है ऑट टू अगर मैं बोलू यू ऑट टू सबमिट योर होमवर्क ऑन टाइम तो मैंने मस्ट की जगह जब ऑट टू का इस्तेमाल कर दिया तो यहाँ पे मैं कह रही हूं कि आपको अपना जो होमवर्क है टाइम पे सबमिट करना चाहिए ठीक है तो ये जो है ये एक फीलिंग में बदलाव आता है इतना समझ लो मस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और टू उससे थोड़ा सा वीक है ठीक है चलो तो आप देखो यहां पर बस क्या है बेटा इस्तेमाल कब कब करेंगे हम ऑट्टू का जब हमारी फीलिंग किसी काम को करने के पीछे कैसी हो जब मैं बता रही हूं कि यह काम करना तो तुम्हारी ड्यूटी है या मेरी ड्यूटी है तब या फिर मैं जब यह बता रही हूं कि यह काम करना तो हमारी आवश्यकता है आपकी या मेरी आवश्यकता है कोई काम को करने की जब हम आवश्यकता बता रहे हो तब या फिर जब मैं बता रही हूं कि भाई ये काम करना तो क्या है हमारा नैतिक दायित्व फर्ज है हमारी ड्यूटी है तब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं चलो ठीक है देखो यू ऑट टू बी पंचुअल भाई आपको समय का पाबंद होना चाहिए है ना अगर मैं बोलू यू मस्ट बी पंचुअल तो यानी कि आपको होना ही होना है आपको होना ही होना है आपको टाइम पर समय का पाबंद होना है ठीक है पर ऑटो जब लगा देते हैं तो क्या हो जाता है कि आपको होना चाहिए है ना मैं बोल रही हूँ कि यार देखो समय का पाबंद होना चाहिए तुमको ठीक है ये आपकी क्या है ये आपकी ड्यूटी है ये आपको करना चाहिए ठीक है वी ऑट टू हेल्प द पुअर हमें क्या करना चाहिए हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए है ना अगर मैं बोलू वी यहां पर वी अब मैं बोलू मस्ट हेल्प द पुअर तो ये हो जाता है कि हमें मदद करनी है यह आवश्यक है ठीक है हमें मदद करनी है गरीबों की यह स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाती है कि भाई करनी करनी है लेकिन अगर मैं बोल रही रू वी ऑट टू हेल्प द पुअर यानी कि बेटा हमें करनी चाहिए है ना अच्छी चीज है हमारा समाज में रह रहे अच्छे इंसान होने के नाते हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है दायित्व फर्ज हमारा ठीक है तो नैतिक फर्ज है हमारा कि हमें करनी चाहिए मदद यू ऑट टू विजिट यूर फ्रेंड्स वंस इन अ वाइल्ड अभी तो आवश्यक है भाई दोस्ती निभानी है तो आपको क्या करना चाहिए आपको एक बार अपने दोस्तों से मिलने जाना चाहिए है ना ये थोड़ी के मिलने ही नहीं जाए तो दोस्ती नहीं चलती तो ये क्या ये तो जरूरी है ठीक है तो अब यहां पर अगर मैं बोलू यू मस्ट विजिट योर फ्रेंड्स मतलब तुम्हें जाना है तुम्हें अपने दोस्तों से मिलने जाना ही जाना है लेकिन मैं अगर बोल रही हूं कि यू ऑट टू विजिट योर फ्रेंड्स यानी कि आपको करना चाहिए कभी कभार एक आधी बार आपको अपने दोस्तों से मिलने चले जाना चाहिए तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि कैसे ये चीज आवश्यक होती है तो हमने ये बताने के लिए ऑटू का इस्तेमाल किया कि ये करना जरूरी है तो करना चाहिए हमें ये ठीक है अब हमारा एक मॉरल ऑब्लिगेशन हमारा फर्ज बनता है ठीक है नैतिक फर्ज तो यहाँ पर ऑटू का इस्तेमाल होके हम बोल रहे हैं कि गरीबों की मदद करनी चाहिए और वैसे ही अगर मैं बोल रही हूँ भाई ड्यूटी है हमारी कर्तव्य बनता है हमारा समय का पाबंद होना अच्छा होता है है ना तो यहाँ पर हम उसके लिए भी ऑटू बता रहे हैं कि हमें समय का पाबंद होना चाहिए तो ये फीलिंग्स हमें ऑट टू बताता है क्लियर है चलो अब देखो ऑट टू हम कब कब इस्तेमाल करते हैं एक और चीज अब यहां पर जो मैंने बताया था बेटा देखो वी गिव एंड आस्क फॉर एडवाइस जब हम क्या करते हैं जब हम एडवाइस मांगते हैं या एडवाइस देते हैं ठीक है अब मैं बोलूं के यू ऑट टू विजिट अ डॉक्टर है ना अगर मैं बोलूं यू आर लुकिंग इल यू ऑट टू विजिट अ डॉक्टर इसका मतलब है आप बीमार दिख रहे हो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए मैंने आपको एक एडवाइस दी बीमार दिख रहे तो चले जाना चाहिए तो क्या किया बेटा तो एडवाइस दी कि चले जाना चाहिए तो मतलब तो तुम्हें जाना है। और करना है तो करना है बहुत स्ट्रांग फीलिंग है जाओ और करो वो काम क्या काम डॉक्टर को दिखाने का लेकिन अगर मैं बोलू यू ऑट टू विजिट अ डॉक्टर यानी कि आपको करना चाहिए तो ये एक एडवाइस है ठीक है देखो अब यहां पर एक और चीज जो मैंने आपको बताई थी बेटा वी इंडिकेट वीकर ऑब्लिगेशन और ड्यूटी ठीक है ना अब क्या होता है हम जब ऑटो का इस्तेमाल करते हैं तब हम थोड़ी सी कमजोर ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के बारे में बताते हैं लेकिन वहीं पर मस्ट का जब इस्तेमाल हो जाता है तो वो क्या करता है वो स्ट्रांगर ऑब्लिगेशन और ड्यूटी Obligation duty में, मतलब मतलब फर्ज का भी वही ड्यूटी मतलब है, है? तो है, तो है, तो है कर्तव्य है, है, है करना है लेकिन ऑट टू बोलता है थोड़ा सा वीक मस्ट के मुकाबले मस्ट के मुकाबले थोड़ा सा वीक तरीके से कि कर लेना चाहिए ये काम हमें ये फर्ज हमें निभाना चाहिए है ना ये कर्तव्य हमें पूरा करना चाहिए तो मस्ट जो है वो स्ट्रांग है बस इतना समझना दोनों में क्योंकि दोनों का इस्तेमाल एक ही तरीके का है पर बेटा ये yes, फीलिंग का जो इंटेंसिटी जितना जोश है ना फीलिंग के पीछे उसके लेवल में ऊपर नीचे है मस्ट भी सेम चीज कहता है और टू भी पर मस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग के साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ कहता है और तो थोड़ी हल्की फीलिंग के साथ कहता है तो ऑट टू क्या है वीक थोड़ा सा इसके उसमें ठीक है ये चीज याद रखना रिकमेंडेशन बेटा सुझाव होते हैं चलो अच्छा इतना समझ में आ गया सभी को ऑट्टो का ज्यादा कुछ नहीं है सेम है जैसे मैंने आपको मस्ट का बताया था सेम ऑट्टो का है। एक ड्यूटी कर्तव्य फर्ज आपका नैतिक फर्ज या इंसान होने के समाज में रह रहे हैं उसके नाते हमारे कुछ फर्ज बनते हैं हमारे कुछ कर्तव्य हैं बस तो फर्ज कर्तव्य या फिर क्या या फिर एक आवश्यकता कोई काम को करने के पीछे का फर्ज क्या है हमारा आवश्यकता है कोई कर्तव्य है बस इनको जब हमें बताना हो थोड़ी हल्की फीलिंग के साथ तो ऑटू बहुत स्ट्रांग फीलिंग के साथ तो मस्ट सिंपल इतना सा है ठीक है अब आते हैं हम दूसरी चीज पे डेयर अब डेयर का मतलब है हिम्मत हम बोलते ना यार एंड डेयर खेलते तो क्या होता है डेयर का मतलब होता है ना कि हिम्मत के आई डेयर यू आई डेयर यू मैं तुम्हें क्या करता हूं मैं तुम्हारे को ऐसे चैलेंज करना है ना तो इसके पीछे की फीलिंग क्या होती है बेटा हम किसी की हिम्मत चेक करने के लिए तो चैलेंज करते हैं भाई हम तुम्हें डेयर कर रहे हैं जाके प्रिंसिपल के दरवाजे पे खटखटा के आओ यानी कि हम आपकी हिम्मत चेक कर रहे हैं तो डेयर का मतलब है साहस ठीक है या तो हिम्मत चेक करना ठीक है और तो और बेटा ये जो डेयर शब्द है ना इसका अधिकतर हमेशा नहीं मैं ये नहीं कहूंगी हमेशा पर अधिकतर इसको ध्यान से सुनना नॉट ऑलवेज बट मोस्टली ठीक है हमेशा नहीं पर अधिकतर इसका इस्तेमाल एक नेगेटिव सेंटेंस में होता है या फिर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है यानी कि या तो हम नकारात्मक वाक्य में यूज करते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य में यूज करते हैं और तो और इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और तो और हम किसी की है ना टू बी ब्रेव इनफ और तो हम किसी की हिम्मत किसी का साहस चेक करने के लिए है ना या उनको किसी चीज को किसी चीज के लिए उकसाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा डेयर का इस्तेमाल करते हैं साहस या उकसाना ठीक है तो किसी को उकसाने के लिए किसी का साहस किसी की हिम्मत है ना ऐसी चीजों को देखने के लिए हम डेयर का इस्तेमाल करते हैं ठीक है अगर मैं बोलूं आई डेयर यू टू गो एंड नॉक ऑन द प्रिपल्स डोर यानी कि मैं तुम्हें क्या कर रही हूं मैं तुम्हें इस चीज का चैलेंज दे रही हूं मैं तुम्हारा उक, तुम्हें उकसा रही हूं मेरी फीलिंग क्या मैं आपको उकसा रही हूँ और ऊपर से मैं आपको इस चीज का क्या आपका साहस देख रही हूं कि क्या आप इतने ब्रेव ब्रेव मतलब कि इतने हिम्मत वाले हो क्या इतना साहस है आप में ना कि आप ये काम कर सको क्या आप जाकर क्या करने का काम जाकर प्रिंसिपल के दरवाजे पे खटखटाने का काम क्या ये कर सकते हो ये ये बताता है डेयर ठीक है अभी कई बार हम बोलते हैं ना कि हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की तो यहां पे हाउ डेयर ये जो डेयर यू वर्ड होता है ना बेटा देखो मैं लिख देती हूं हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक like दैट देखो ये कैसा था एक प्रश्नवाचक वाक्य था तो मैंने कहा ना अधिकतर नकारात्मक या प्रश्नवाचक यानी कि नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होता है अब यहां पर ये 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 जो डेयर लगा हुआ है है क्या बोल रहा है? ये ना हम बोल रहे हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की तो बेटा फीलिंग क्या है काम क्या हुआ यहां पर बात करने का काम पर मैं सवाल उठा रही हूं कि हिम्मत कैसे हो गई तो यहां पर क्या है या तो हम आपकी हिम्मत साहस को चेक करते हैं ठीक है किसी काम को करने के पीछे आप में कितनी हिम्मत है है कितना साहस है, उसको चेक करते हैं हैं या या तो तो वो काम करने के लिए हम आपको हैं, या तो हम आपको उकसाते उसी पर उंगली उठाते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारे अंदर इतना साहस कैसे आया समझे तो डेयर ये लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो डेयर का इस्तेमाल तब तब होता है जब हम किसी को, को कोई काम करने के लिए उकसाते हैं उनका साहस या हिम्मत वो काम करने के पीछे कितनी है ये देखते हैं या फिर उन्होंने कोई काम कर दिया है और उस काम को करने के पीछे इतनी हिम्मत कैसे हुई है ना इतना साहस कैसे आया जब इस पर हम सवाल उठाते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं तो अगर मैं बोलू हाउ डेयर यू हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी टॉक टू मी लाइक दैट मेरे से ऐसे बात करने की यानी कि आपने कोई काम किया मेरे से बात करी है ना और गलत तरीके से करी तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई ये काम करने इस तरीके से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तो मैंने क्वेश्चन उठाया तुम्हारी हिम्मत या साहस पे ठीक है तो आपने जो काम किया उस काम के ऊपर आपने जो हिम्मत थी आपकी है ना उसके ऊपर मैंने एक सवाल उठाया यहां पे डेयर का इस्तेमाल होता है चलो देखो हाउ डेयर शी मेक फन ऑफ अस अब यहां पर डेयर का इस्तेमाल हो रहा है तो कैसे हो रहा है हम कह रहे हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारा मजाक उड़ाने की फन ऑफ अस है ना मेक फन ऑफ अस मेक फन मतलब मजाक बनाना तो कह रहे हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे मजाक बनाने की तो यानी कि काम क्या हुआ यहाँ पर मजाक बनाने का काम हुआ किसने किया किसी और ने किया पर हम हमारी फीलिंग क्या है कोई काम हुआ किसी और ने कोई काम किया किसी और ने हमारा मजाक बनाया पर मेरी फीलिंग कैसी है मेरी फीलिंग ऐसी है कि भाई इस व्यक्ति की ये काम करने की हिम्मत कैसे होगी यानी कि इस व्यक्ति का हमारा मजाक बनाने की हिम्मत कैसे होगी तो यहां पर मेरी फीलिंग कैसी थी मैं मैं क्वेश्चन कर रही हूं कि भाई इसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने हमारा मजाक बनाया कि उसने ये काम करा ठीक है यहां पर देखो ही डिडेंट डेयर लुक बैक तो यहां पर बोल रहे हैं कि उसकी हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की है ना तो उसकी हिम्मत उसमें साहस ही नहीं था पीछे देखने का तो so एक बार होता है ना जैसे हम बोले तुमें जाओ, तुमें जाओ, तुमें जाओ, तुमें जाकर क्या तुम्हें जाओ तुम्हें तुम्हें जाकर एक अंधेरे में जाकर क्या करना है अंधेरे में जाके कुछ काम करके आना है so तो क्या होता है जैसे तो हम अंधेरे में कमरे में जाते हैं है ना और या फिर ऐसे लाइट बंद करके अंधेरे वाले कमरे में से कितनी जल्दी भाग के आते पीछे मुड़के भी नहीं देखते होता है ना कई बार ऐसा मतलब कि आ, मम्मी ने बोला बेटा जाओ छत पे जाकर रात को जाओ छत पे जाकर कपड़े उतार लो छत पे जाएंगे जल्दी 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 कपड़े उतारेंगे डर लग रहा है और फिर क्या करेंगे और जल्दी से छत का दरवाजा बंद करके सीधा भाग के अपने कमरे में चले जाते हैं पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं होती है ना तो जब हम हिम्मत की बात कर रहे हैं जब जब हिम्मत की बात हो साहस की बात हो तब हम डेयर का इस्तेमाल करेंगे या तो हम किसी काम के ऊपर सवाल उठा रहे कि ये काम करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई या फिर हम बोल रहे कि उसकी हिम्मत नहीं थी तो दूसरे वाक्य में बात हो रही है कि उसकी हिम्मत नहीं थी पीछे मुड़के दे, देखने की अब तीसरे वाक्य में देखो डोंट यू डेयर इंटरप्ट मी हम किसी को वार्निंग दे रहे कि भाई तेरी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मुझे रोकने या टोकने की इंटरप्ट मतलब किसी काम में बाधा डालना तो वो कह रहे डोंट यू डेयर हिम्मत मत करना मुझे रोकने की मुझे को करने की, या मेरे काम में बाधा डालने की तो क्या कर रहे हैं बेटा हम उनको मना कर रहे हैं कि जो तुम करने वाले, हो, क्या काम करने वाले हो? हमें रोकने का काम या हमारे आ, काम में, बीच में टांग अड़ाने का जो काम करने वाले हो, वो काम करने की हिम्मत मत करना ठीक है सम स्नेक्स कैन बाइट कुछ सांप डस सकते हैं बाइट करना मतलब क्या सांप तो काटता नहीं है सांप तो डस लेता है तो कुछ सांप डस सकते हैं बट लेकिन आई डेयर यू टू होल्ड दिस बिग स्नेक लेकिन मैं तुमको क्या कर रही हूं एक डेयर दे रही हूं कि तुम इस बड़े सांप को पकड़ के दिखाओ तो मैं उकसा रही हूं आपको ये काम करने के लिए मैं आपकी हिम्मत देखना चाह रही हूं कि आप में इतनी हिम्मत है कि नहीं है है ना तो हम कह रहे कुछ सांप काट सकते बट आई डेयर यू पर मैं डेयर दे रही हूं तुमको कि क्या तुम इस बड़े से सांप को पकड़ सकते हो तो आपको क्या कर रहे हैं उकसा रहे हैं और आपकी हिम्मत चेक कर रहे हैं तो बेटा डेयर कहां का यूज होता है जब हम किसी को बोलते हैं कि ये काम करने की हिम्मत मत करना कि तुम्हारी इस काम को करने की हिम्मत कैसे हुई है ना या फिर हम आपको उकसाते हैं कि और आपकी हिम्मत चेक करते हैं कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते तो यहां पर समझ रहे बेटा जब हिम्मत साहस उकसाने जैसी फीलिंग हो किसी भी काम को लेकर तब तब डेयर का इस्तेमाल होता है सिंपल आया समझ में देखो अब आते हैं हम लोग क्विज पर और करते हैं आपकी नॉलेज को टेस्ट बहुत सिंपल है बहुत इजी है ये क्विज नंबर वन है गाइस ठीक है बहुत सिंपल है बहुत इजी है मैं दोबारा से बता दूंगी एक बार क्विज में अच्छे से आ, आप लोग अपना आंसर सबमिट कर दो उसके बाद हम दोबारा से वन मिनट रिविजन भी करेंगे ठीक है चलो तो क्वेज नंबर वन एंड फाइव सेकंड में क्वेश्चन आने वाला है फाइव फोर थ्री टू वन ये रहा आपका क्वेश्चन वी डैश लव आर कंट्री चार ऑप्शन है कौन सा वाला मॉडल वो आना चाहिए मस्ट लव आर कंट्री वी डेयर लव आर कंट्री वी कैन लव आर कंट्री या फिर नॉन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर टू मस्ट और ऑट टू विच वन एक्सप्रेसिस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिकेशन मस्ट या फिर ऑट टू इन दोनों में से कौन सा वाला मॉडल वर्ब ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दर्शाता है ऑब्लिगेशन यानी कि फर्जिया कर्तव्य तो मस्ट या ऑट टू कौन सा वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्तव्य दर्शाता है मस्ट दर्शाता है ऑट टू दर्शाता है दोनों दर्शाते हैं या नन कोई सा भी नहीं इसमें से ठीक है चलो तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर वन अरे हम बोल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए अब देखो सीधी सी बात है हमें अपने देश से प्यार होना चाहिए और ये तो हर इंसान को करना चाहिए भाई इसमें थोड़ी दो राय है कि आपको है नहीं है नहीं है तो ये तो कोई बात ही नहीं होती है देश से तो सबको प्यार होना है और होना है तो होना है सबको होना चाहिए तो यहां पर हम डेयर हम हिम्मत थोड़ी चेक कर रहे कि प्यार करने की हिम्मत है देश से या नहीं हम ये भी नहीं बता रहे कि आप कर सकते हो या नहीं कैन बताता है कि हम क्या काम कर सकते हैं हमारे में क्षमता कितनी है हम आपकी क्षमता भी नहीं चेक करने वाले प्यार करने के पीछे देश को प्यार काम क्या है देश को प्यार करने का है ना काम है देश को प्यार करना तो इस काम को हम बोल रहे करना है हमें अपने देश से प्यार होना है होना चाहिए ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है है ना तो यहां पर मैं मस्ट लगाऊंगी बेटा मैं हिम्मत नहीं दे रही हूं कि ये काम करने की हिम्मत दिखाओ कि आप अपने देश को प्यार कर सकते हो क्या मैं हिम्मत नहीं डाल रही हूं हिम्मत की बात नहीं हो रही और आप कर सकते हो या नहीं आपकी योग्यता या क्षमता की बात नहीं हो रही हम कह रहे करना है प्यार होना चाहिए है ना हमें अपने देश से प्यार होना चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर टू में मस्ट या ऑट टू इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉग ऑब्लिकेशन दिखाता है जाहिर सी बात है दिखाता है है दिखाता ना तो यहां पर भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा देखो दोबारा से टू जो है वो क्या है उसका काम होता है क्या करवाने का बेटा ऑट टू का मतलब है करना चाहिए है ना करना चाहिए तो इसका मतलब ये होता है हमें कोई ड्यूटी की बात हो कि भाई ये काम करना तो हमारी ड्यूटी है ये काम करना तो हमारा फर्ज है है ना या फिर ये काम करना तो हमारी आवश्यकता नेसेसिटी है ठीक है तो तब तब हम ऑटो का इस्तेमाल करते हैं यहां पर मस्ट का इस्तेमाल भी हो सकता है ऐसी सेम फीलिंग्स के अंदर जब आप किसी काम के करने के पीछे की सेम फीलिंग हो तब आप मस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो पर जब मस्ट आ जाता है तो वो इन फीलिंग्स को बहुत ज्यादा दिखा देता है कि करना है तो करना है ड्यूटी है तो ड्यूटी है फर्ज है तो फर्ज है जरूरत है तो जरूरत है लेकिन और टू थोड़ी सी हल्की फीलिंग बताता है कि करना चाहिए है ना फर्ज है निभाना चाहिए इस तरीके से चलो और दूसरा हमने पढ़ा डेयर के बारे में तो डेयर क्या बताता है डेयर हमारी हिम्मत हमारा साहस चेक करता है हम जब सवाल करें कि तुम्हारे तुम्हारे ये काम करने का इतनी हिम्मत कैसे हुई साहस कैसे हुआ तब हम डेयर का इस्तेमाल करते हैं जब हम कहते हैं कि ये काम करने का साहस मत दिखाना तब हम डेयर का इस्तेमाल करते हैं जब हम बोलते हैं कि आ, चलो क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है क्या तुम ये कर सकते हो जब मैं किसी काम को करने के पीछे उकसाऊं या किसी का काम को करने का साहस चेक करूं तो बेटा जब हिम्मत और साहस से जुड़ी हुई बातें आती हैं है ना कोई काम आता है तब तब हम डेयर का इस्तेमाल करते हैं तो आज की क्लास में हमने ऑट टू और डेयर का इस्तेमाल करना सीखा आया सभी को समझ में कि कहां कहां पे डेयर और टू का इस्तेमाल होता है क्लियर है सभी बच्चों को किसी बच्चों को कोई किसी बच्चों को कोई डाउट बेटा अगर कोई डाउट है कुछ नहीं समझ में आया है तो आप क्या कर सकते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आपको वहीं पर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा क्लियर चलो तो अब जो होमवर्क मिलेगा एप के ऊपर वो होमवर्क आपको करके आना है बढ़िया से ठीक है ताकि प्रैक्टिस हो जाए और अब हम मॉडल वर्ब्स की अगली क्लास में मिलेंगे जहां पर विल शैल वुड और शुड का इस्तेमाल कहां कहां कैसे कैसे होता है मैं आपको ये सिखाऊंगी अभी आपस में एक जैसे जुड़े हुए हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बहुत ईजी है मॉडल वर्ब्स बड़े प्यारे होते हैं तो अब ये सभी मॉडल वर्ब्स के बारे में हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे यानी कि लेक्चर नंबर थ्री में तो तब तक के लिए बाय आई टेक केयर एंड थैंक यू सो मच